नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में नौनिहाल सीख रहे आत्मरक्षा गुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जबलपुर एवं मानव क्रीडा एवं कला एकेडमी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। गर्मियों की छुट्टी का भरपूर आनंद का लुफ्त उठाते हुए नन्हे नन्हे बालक व बालिका है मार्शल आर्ट के खेल विधा सीखने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं हमारे मीडिया टीम ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर खिलाड़ियों से संपर्क करना चाहा, जहां अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खेल प्रशिक्षक राजकुमार यादव ने बताया ग्रीष्मकालीन शिविर में बालिकाओं को आत्मरक्षा की नई नई तकनीकें और गुणों से अवगत करा रहे हैं। साथ में रोड फाइट पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जैसे देखा जाता है कि आज के युग में लड़कियों के साथ असामाजिक तत्वों से कैसे बचा जा सकता है और समय पड़ने पर इनके ऊपर भी अटैक कैसे किया जा सकता है। इन सबके अलावा खिलाड़ियों को खेल विधा की नए नियमों से भी अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में भविष्य में यह बच्चे अपने खेल से राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने अपने शहर व प्रदेश के लिए पदक अर्जित करने में सफल हासिल होंगे। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर मानव क्रीडा एवं एकेडमी खेल के द्वारा मदन महल स्थित प्रेमनगर कालीबाड़ी परिसर, बाजना मठ, संग्राम सागर परिसर, मेडिकल रोड, शास्त्री नगर, नर्मदा नगर बिलहरी, शासकीय सामुदायिक भवन बरेला, विजयनगर, घड़ी चौक आदि क्षेत्रों में मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, रोलर स्केटिंग, कुरास एवं अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खेल प्रशिक्षक राजकुमार यादव के साथ सुश्री शिवानी बेन, जयराज चौधरी, मोहित यादव भी अपनी सेवाएं देकर नन्हे नन्हे खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट विधा से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। हाँ जी, बताइए आपका नाम क्या है? आप ऋतु सिंह तो? अच्छा, आप कौन सा गेम खेल रही हैं? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो, आपने कोई प्रतियोगिता में भाग लिया किसी कॉम्पिटिशन में? एक। अच्छा, तो उसमें कौन सा मेडल था आपका? गोल्ड। आप गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। चलो आगे, कौन सा खेल का प्रैक्टिस करने आते हो यहाँ पे? ताइक्वांडो। अरे वाह, ताइक्वांडो सीखते हो आप यहाँ पे? आपके सर का नाम क्या है, कोच का? मिस्टर राजकुमार यादव। वाह, वेरी गुड। तो ये सीखने के बाद फिर आगे क्या करोगे आप? क्या करोगे सीखने के बाद आप आगे? नेशनल टूर्नामेंट। नेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे, वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप, कौन से क्लास में हो? KG2। KG2, किस स्कूल का? स्कूल का नाम क्या है आपका? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। आपका नाम क्या है? जसमीत कौर सकू। वेरी गुड। मार्शल आर्ट आपको अच्छा लगता है? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? नो। जी बताइए, यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है ये किस जगह का कैंप लगाया है और किस खेल का लगा हुआ है? यहाँ ताइक्वांडो गेम का कैंप लगा हुआ है और ये कालीबाड़ी मंदिर कृपाल चौक में लगा हुआ है। अच्छा, तो आप कितने समय से यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ कैंप कितने समय से लगा हुआ है यहाँ पे? अभी बस समर में चालू हुआ है और पहले भी जब समर हॉलीडेज होते तब भी लगता था ये कैंप। कंटिन्यू क्लास चलता है क्या? यस सर। तो क्या सुबह भी चलता है कि शाम ही बस चलता है क्लासेस? सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस चलती हैं। कैसे लग रहा है आपको सीखो? क्या ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें? विशेष तो ट्रेनिंग क्या दिया जा रहा है आपको गर्ल्स के खास तौर पे? हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, अगर कोई हमें तंग करने की कोशिश करे तो हम अपने आप को बचा सके दूसरों के अगेंस्ट। कुछ खेल के बारे में मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये खेल हमें सीखना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जब मतलब जैसे हम कोई मेडल जीत के लाते हैं तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्या नाम है आपका? देवनूर कौर गुरुगर। हाँ जी बताइए, आप कौन से गेम में हैं? ताइक्वांडो। आपको कौन सिखाता है, आप कहाँ सीखते हैं? सर राजकुमार यादव। कहाँ सीखते हैं आप, प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? कालीबाड़ी मंदिर त्रिपाल चौक। आपने कोई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है अभी तक? हाँ, 2 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। तो उनमें क्या आपके क्या मेडल हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ बेटा बताइए, यहाँ पे किस खेल विधा का आप यहाँ प्रशिक्षण? ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स। कहाँ पे ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है? जबलपुर मदन महल बंगाली समाज कालीबाड़ी। आप कहाँ से आते हो ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए? रामपुर गौरीघाट।
कितने समय से यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हो आप? 3 महीने। और ये ट्रेनिंग करके आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या सोच है ये मार्शल आर्ट सीख के? नेशनल टूर्नामेंट में हम लोगों को, हमारी पूरी टीम जाएगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग गोल्ड लेके आ पाए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? महर्षि विद्या मंदिर। नाम बताएंगे अपना? प्रियांशी उपाध्याय। तो यहाँ पे मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग जो कैंप लगाया हुआ है, कैसा लग रहा है? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कैंप लगाया गया है जो। कितने दिनों से ये कैंप चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे विगत दिनों से कैंप चल रहा है और ये सुबह शाम चलता है। कहाँ पे लगा हुआ कैंप? ये हमारा मदन महल बंगाली समाज के कालीबाड़ी मंदिर कृपाल चौक में। कौन सा खेल का यहाँ पे कैंप लगा हुआ? यहाँ पे टाइकोंडो खेल का कैंप लगा है। कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे ट्रेनिंग में, कौन से करता आपने यहाँ पे? यहाँ पे हमारे सर श्री राजकुमार यादव जी सिखाते हैं और सुश्री शिवानी बेन भी। अच्छा, तो क्या करना चाहते हो इस ट्रेनिंग के बाद, आप लोग का क्या उद्देश्य है आगे का? ये ट्रेनिंग के बाद आर्मी में जाने की कोशिश करना चाहते हैं हम लोग। और कोई कॉम्पिटिशन वगैरह में भाग लेंगे क्या? हाँ। चलो, नाम बताइए अपना। मानव राजा जी। बताइए, गर्मी की छुट्टी का कैसा आप एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे से। कौन कौन से खेल विधा में आपने भाग लिया यहाँ पे आके? टाइकोंडो। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है ये ट्रेनिंग के सेंटर यहाँ पे आके? कहाँ पे आपका सेंटर? कालीबाड़ी जबलपुर। अच्छा, कौन आपके कोच कौन है आपके? श्री राजकुमार यादव जी, शिवानी बैन। अच्छा, कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? 3 ईयर्स। यस सर। ये ट्रेनिंग के बाद आगे के क्या योजना है आप लोगों का? हम चाहते हैं कि नेशनल टूर्नामेंट अभी खेले और हमारी टीम भी इसमें भाग लेगी। नाम आपका? कृतिका ख्यानी। किस स्कूल से हो आप? माउंट लिटरेसी स्कूल।